जान से मारने की धमकी क्या पत्रकार, मैं कहना चाहूंगा कि जान से मारने की धमकी नहीं, अगर राहुल गांधी के रुआ को भी छूने का अगर किसी ने कोशिश किया, रुआ आप समझ रहे हैं ना, अगर राहुल गांधी जी के रुआ को भी छूने का अगर किसी ने कोशिश किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा और उससे भीख मंगवाऊंगा, भीख। राहुल गांधी जी को कोई कौन ऐसे कह देगा जी? राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी जननायक हैं इस देश के, और राहुल गांधी जी के तरफ उंगली उठाने वाला अमितेश पांडे पे उंगली उठा रहा है। बीजेपी के एक्स एमएलए हैं वो, हाथ काट देंगे उंगली। अरे एक्स एमएलए हो या एक्स कुछ एक्स गर्लफ्रेंड हो, हमको उससे नहीं लेना देना है, हम नहीं जानते हैं, भले कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो या फिर एक्स एमएलए हो, हम नहीं लेना देना है। एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों पे जो जुबान चला रहे हैं? एक मिनट, एफआईआर की आप बात कर रहे हैं ना, एफआईआर मैं करूंगा आप जैसे पत्रकारों के ऊपर। आप लोग पत्रकारों की गरिमा बिलबिला रहे हैं, पत्रकारिता की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं आप जैसे पत्रकारों से, इस देश को खतरा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितना हम देशवासियों को या फिर देश के युवाओं को सिगरेट गुटखा तंबाकू बीड़ी खैनी दारू से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा आप जैसे दलाल पत्रकारों से खतरा है, और आप दलाल पत्रकार हैं। नेता की रक्षा कीजिए, दलाल पत्रकार, दलाल पत्रकार। अरे चुप रहो दल्लो, अरे चिल्लाने की कितनी दल्ले आप हैं, आप दलाल हैं। कितनी दलाली मिली है आपको, कितना पैसा मिला है? एक मिनट आप हमारी बात सुनिए, अमितेश पांडे पहनेगा 200 का शर्ट, और आप पत्रकार कितने की शर्ट आपने पहन के रखी, आप पहले ये बताइए। 18,000 की शर्ट पहन रखा हूं। 18,000 की शर्ट, शर्माता पत्रकार आप लोगों को, शर्माता है। तुम्हारी औकात है पत्रकार? एक मिनट, औकात की बात सुनिए, हम वो नहीं है जो मोदी जी के तलवे चाट करके 500 रुपए लेके आ जाए और उसकी शर्ट वर्ट खरीद ले 18,000 जुगाड़ करके और उसके बाद आ जाए बंठन के। शर्म का भी कोई चीज होता है, शर्म नाम का भी। आप लोग शर्म हया को घोल करके पी चुके हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट का क्या रेट है, पता क्या चीज? राहुल गांधी जी की टी शर्ट, आप लोग को राहुल गांधी जी का टी शर्ट दिखेगा लेकिन जय शाह का चश्मा नहीं दिखेगा, मोदी जी का 2.5 लाख का चश्मा नहीं दिखेगा, मोदी जी का 5 लाख का कलम नहीं दिखेगा, 10 लाख का सूट नहीं दिखेगा, 5 लाख का बूट नहीं दिखेगा। जनता पैसा जनते का, अगर किसी नेता से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलेंगे? मैं जय शाह से मिलूंगा, देश का सबसे अच्छा नेता जय शाह है अगर कोई है तो। राहुल मैं मिल के सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा जय शाह से कि जय शाह जी, आदरणीय जय शाह जी, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि आपको आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया, पहले बीसीसीआई का महासचिव बनाया गया, अब आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया? आप हमारी एक बात बताइए, क्या मैं जय शाह से कम सुंदर हूँ? चुनाव आप पहले बताइए, डर क्यों जाते सीबीआई और ईडी से? राहुल गांधी नहीं डरते हैं, डरता है आप जैसा दलाल पत्रकार। आप पत्रकारों ने पत्रकारिता की गरिमा को धूमिल करने का काम किया है। आप लोग, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग 5वीं फेल पत्रकार हैं। आप लोगों में से किसी के पास भी डिग्री नहीं होगी, अगर आप लोगों में से किसी के भी पास डिग्री है तो उसको दिखाने का काम करें। अरे भाई साहब, आप तो दुर्दांत अपराधी की तरह बात कर रहे हैं। दुर्दांत अपराधी आप हैं, दुर्दांत अपराधी क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आप हमारी बात सुनिए, अगर आपको कोई मारने का बात करेगा तो आप क्या करेंगे? आपके घर वालों कोई मारने का काम करे तो आप क्या करेंगे? आपके नेता कोई मारने का काम करे तो आप क्या करेंगे? अरे चाटुकार पत्रकार, दलाल पत्रकार, दो कौड़ी के पत्रकार, मोदी के पैसों पे बिकने वाले पत्रकार, मोदी के पैसों पे पलने वाले पत्रकार, तुम मुझसे बात करोगे? समझना, कोई पत्रकार आपके साथ बहुत बुरा किया है। पत्रकार ने पत्रकार क्या बुरा कर देगा? पत्रकार बिल्कुल बुरा कर रहा है, इस देश के साथ बुरा कर रहा है। आप वही पत्रकार हैं जब 2000 का नोट मेहमानों लाए थे ना, 2000 रुपए का नोट आप दिखा रहे राहुल गांधी जेल में। सुनो सुनो, पहले सुनो सुनो, क्या कह रहे बताओ? इस पत्रकार की तरफ कैमरे का फोकस कीजिए, इस पत्रकार की तरफ, मुंह भी इसका जैसा मिलता है, ये पत्रकार बात करेगा हमसे। जब 2000 रुपए का नोट मेहमानों लाए थे ना, हाँ। तो आप लोग दिखा रहे थे कि उसमें चिप है, 2000 के नोट में चिप है। हम कहेंगे कि आप लोग काट के दिखाइए चिप उसमें है तो। अरे पांडे जी, बात यह है कि राहुल गांधी को एक आगे, राहुल गांधी बाज नहीं आते अपने बयानों से, उनका हाल वो होगा। इस देश के पत्रकार बाज नहीं आ रहे हैं, जो उनकी दादी का हाल हुआ था वैसी हाल राहुल गांधी का होगा। राहुल गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं थोड़ा सा भी? क्या जानते हैं बताइए, पहले बताइए, बताइए क्या जानते हैं? देश विरोधी बात करने वाले ये पत्रकार है यहाँ का, देश विरोधी बात करने वाले आरएसएस वाले लोग हैं, देश विरोधी बात करने वाले भाजपा वाले लोग हैं। मैं राहुल गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बड़े ही अच्छे आदमी है, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जननायक है इस देश के। राहुल गांधी जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, राहुल गांधी जी तारीफ नहीं कर रहे हैं। सुनो पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गवार पत्रकार, चौथी फेल पत्रकार, पांचवी फेल पत्रकार, अनपढ़ पत्रकार, अंगूठा छाप पत्रकार, मोदी के तल में चाहते वाले पत्रकार, अरे मुसलमान विरोधी पत्रकार, महिला विरोधी पत्रकार, अगला विरोधी पत्रकार, पिछड़ा विरोधी पत्रकार, जाहिल पत्रकार, अनपढ़ पत्रकार, मिर्गी आप लोगों को आती है, मिर्गी आप लोगों को आ रही है, आप लोग सुनना नहीं चाहते। आपके आपके मेहमानों की बात की जाएगी तो आप लोग सुनेंगे, बड़ा बड़ा कान कर लेंगे, हाथी के जितना बड़ा बड़ा कान, और सुनेंगे बोलेंगे वाह वाह भैया वाह, और जब हम बोलेंगे तो मिर्गी आ गई क्या, बिल बिलाने लगेंगे आप लोग, नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे, लग रहा है कि आप लोग मर जाएंगे अब ऐसे विदेश में जाके। अरे सुनिए पहले, देखिए अब हम कहना चाहेंगे काफी विनम्रता पूर्वक,
आशा करता हूं कि आप अपनी बातों को रख चुके होंगे और अब मुझे सुनने का कष्ट करेंगे एक आदर्श पत्रकार के तरह। हालांकि आप लोग आदर्श नहीं है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आदर्श तो आप भी नहीं है। देखिए इस पत्रकार को, ये सबसे अनपढ़ पत्रकार है। मैं कहूंगा कि ये नर्सरी भी नहीं पढ़ा होगा। अगर महामानव 18% GST नहीं लगाए होते ना शिक्षा पे, तो आप पढ़ लिख लिए गए होते हैं। लेकिन फिर भी आप मोदी 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 नामा पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की मैं बात करूं, राहुल गांधी जी के पिताजी थे राजीव गांधी जी। आप लोग बिल्कुल पढ़िए राहुल नामा, पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी जी का जो खानदान रहा है ना, आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अबे दलाल पत्रकार सुनो पहले, राहुल गांधी जी का जो परिवार है, राहुल गांधी जी का जो परिवार है उनका खानदान आप देख लीजिए, शुरू से देशभक्त रहा है। राजीव गांधी जी कुर्बान हुए देश के लिए, इंदिरा गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुई, हमारे फिरोज गांधी जी 15 वर्षों से ज्यादा समय तक जेल में रहे, पंडित नेहरू जी 15 वर्षों से ज्यादा समय तक जेल में रहे। आपने क्या किया देश के लिए? हम इन दलाल पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। ये सभी तलवे चाटने वाले पत्रकार 200-200, 500-1000 रुपए लेकर के आ रहे हैं इनसे सवाल करने। इनसे भिड़ना कम बड़ा बात है? महंगाई पे मितेश पांडे आवाज उठाता है, बेरोजगारी पे मितेश पांडे। आप हमारी आईडी देख लो, मितेश पांडे पटना से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी सर्च कर ले और देख ले मितेश पांडे अपनी आवाज उठाता है कि नहीं उठाता है। आप लोग बात कर रहे हैं मितेश पांडे से। पांडे जी पॉइंट पे आइए और जो सवाल किया जाता है। हम पॉइंट पे ही हैं, हम पॉइंट पे ही हैं। और हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। मैं कहना चाहूँ कि हरियाणा के जनता के बीच इनमें से अगर कोई भी पत्रकार जाए तो आप लोग अपने घर के बाहर कीले बिछा देना, कीले। जैसे भाजपाइयों ने कील बिछाई थी ना दिल्ली के बाहर। हरियाणा जाएंगे हम? बिल्कुल हरियाणा जाएंगे। कब जा रहे हैं हरियाणा? हम कल निकल जाएंगे हरियाणा। बिहार वाले को हरियाणा से क्या लेना है पैसा? बिहार वाले को हरियाणा से इसलिए लेना देना है क्योंकि हरियाणा देश का हिस्सा है। हरियाणा की हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, विनेश फोगाट जी के साथ। आप एक बात बताइए, आपका पापा वहां रुकवा सकते हैं, लेकिन विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रुकवा सकते हैं। आपके पापा वहां रुकवा सकते हैं लेकिन महंगाई नहीं रुकवा रहे हैं। आपके पापा वहां रुकवा सकते हैं लेकिन बेरोजगारी नहीं रुकवा रहे। आपके पापा वहां रुकवा सकते हैं लेकिन दलाली नहीं रुकवा रहे पत्रकारों की। आपके पापा वहां रुकवा सकते हैं लेकिन देश के अल्पसंख्यकों का विरोध करने वाले पत्रकारों को जेल में नहीं डलवा रहे हैं। सवाल ले लीजिए, आपके नेता को जान से मारने की धमकी मिली। मैं नहीं लूंगा आपका सवाल। अरे जान से मारने की धमकी आप लोगों को मिलनी चाहिए। आपके आप नेता को मिली, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए बताइए। एक मिनट, उसके लिए आपने उसके शब्द का प्रयोग किन के लिए किया आप ये बताएं पहले। उसके शब्द का प्रयोग किन के लिए किया? आपके नेता को धमकी मिली है? उसके आपके नेता नहीं है वो? आपके नेता नहीं, आपका नेता मोदी है। क्या है मोदी आपका? मौसा लगता है जैसा आपका, बताइए पहले।